हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट योर जीएस में। दोस्तों, जो एग्ज़ाम में तथ्य पूछे जाते हैं और हमसे हमेशा गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे याद करें, ठीक है, जो भूलने वाले होते हैं, तो हम उनको अपने जहां लेटते हैं या बैठते हैं, जहां रूम में रहते हैं, वहां जगह बगल में A4 साइज पेपर में लिख के बगल में चपका सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हिंदी से यह प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अल्प प्राण कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है, महाप्राण में कौन कौन आता है, अघोष में, सघोष में, ऐसे ही ये अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष से हो जाएगा। फिर यहाँ हिंदी वर्णमाला से आ जाएगा, ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप लेटते हैं वहीं बगल में A4 साइज में लिख कर अगर चपका देंगे तो लेटते समय भी आपको निगाह पड़ती रहेगी आपकी, तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही उच्चारण स्थान से पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही जैसे कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पर सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज का नारा, मतलब जो जो भूल जाते हैं, ठीक है, भूलने वाले शब्द, जैसे इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इंकलाब जिंदाबाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, मतलब इंकलाब जो है वो कई बार अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया गया है, अलग अलग लोग प्रयोग किए हैं, स्वराज शब्द का अलग अलग प्रयोग किए हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो ऐसे ही जो भूलने वाले तथ्य होते हैं उनको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ जगह आ जाएगा अनुसूचियाँ, ठीक है, तो अनुसूचियाँ पूरी लिख लीजिए, 12 अनुसूची हैं, पूरा लिख लीजिए, कौन सी अनुसूची में क्या है, कौन सी अनुसूची में कब संशोधन किया गया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि जो जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट रहते हैं उन अनुच्छेदों को लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ लिख लिया है अनुच्छेद 1, 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे ही सारे अनुच्छेद जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वहाँ जगह आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ आप बगल में लिख लेंगे और चपका देंगे तो आपकी निगाह पड़ती रहेगी, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, कि बापू किसने कहा, महात्मा किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बार बार एग्जामों में, ठीक है। अब नीचे आएंगे जब, तो यहाँ हिंदी से टॉपिक है कि विराम चिन्ह, सभी विराम चिन्ह एक जगह लिख लीजिए और उनको ध्यान में रखते जाइए, ठीक है। ऐसे ही आ जाता है दोस्तों कि जैसे कि जड़ कौन जड़ है, कौन तना है, ठीक है, जो भूलने वाले शब्द होते हैं उनको लिख लीजिए, तो आपका भूलेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों साइंस से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम इधर आपको दिखा दें, जैसे कि विटामिन से साइंस से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, विटामिन, सभी विटामिन को एक जगह लिख लीजिए, विटामिन का कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, उससे रोग कौन, उसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, यहाँ जगह एक पेज में लिख लेंगे, बार बार निगाह पड़ती रहेगी, याद होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि वर्णी लवक का रंग, कि जैसे पीला रंग किसके कारण होता है, हल्दी का पीला रंग, ऐसे ही जो होता है टमाटर का, टमाटर जैसा लाल रंग, चुकंदर जैसा लाल रंग, मिर्चा, ये सब जो लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग जो होता है किसके कारण, ये सब लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इधर कोशिका भित्ति, कोशिका का बाह्य कंकाल, कोशिका झिल्ली को, कोशिका का द्वारपाल, माइटोकांड्रिया, मतलब किसको क्या कहा जाता है, जो कंफ्यूजन भरे शब्द रहते हैं उनको आप अपने जहां लेटते हैं उसके बगल में चिपका कर A4 साइज पेपर में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है कि थल सेना के जनरल, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, जल सेना को नौसेना भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो भूलने वाले तथ्य हैं आप उन्हें यहाँ जगह लिख सकते हैं, ठीक है, जो भूलने ना, जैसे RBC हो गया, WBC, प्लेटलेट्स, इसको क्या कहा जाता है, ये सब भूलने वाले तथ्य जो होते हैं उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ जगह आप देख सकते हैं, वहाँ जगह देखिए ज्योग्राफी के स्टार्ट से लिया गया है, वहाँ जगह आपको दिख रहा होगा, जो भूलने वाले शब्द हैं उसको आप लिख लीजिए, ठीक है, वहाँ जगह से स्टार्ट हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ आ गया है, ठीक है, जो भूलने वाले शब्द हैं उसको आप लिखिए। जैसे कि अब एक दोस्तों जैसे कि दिवस से प्रश्न पूछा जाता है, दिवस से, तो आप एक ही जगह लिख लीजिए दिवस को, ठीक है। जैसे कि जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा पूछे जाते हैं, वहाँ जगह लिख, यहाँ एक जगह लिख लीजिए। अब यहाँ जगह दोस्तों जैसे कि हिस्ट्री से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल को वायसराय, मतलब जो कंफ्यूजन भरे रहते हैं, जैसे ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी का है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रेक्सिया, ये जो भूलने वाले प्रश्न रहते हैं, जैसे यस आर थ्योरी किसने दिया है, आर एस थ्योरी किसने दिया है, यस ओ आर, इसमें कंफ्यूजन भरा है,
था, डाई का प्रयोग किस पर हुआ, बिल्ली पर, पावलो का कुत्ते पर, स्किनर का कबूतर पे, जो जो किसने क्या सिद्धांत दिया यहाँ जगह लिखा हुआ, ठीक है, जो जो प्रश्न भूलने वाले रहते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ये इसको कहते हैं स्टिकी नोट्स, ठीक है, स्टिकी नोट्स है, यहाँ पे लिख के आप चिपका सकते हैं कहीं भी, और जब निकालेंगे तो फिर निकल भी जाएगा, ऐसे ही सब यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। जो कन्फ्यूजन है आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख लिया है पृथ्वी, वायुमंडल, सूर्य, जैसे ऑक्सीजन पृथ्वी में भी रहता है, वायुमंडल में भी रहता है, ठीक है, और सूर्य में भी रहता है, तो किस में किसकी मात्रा क्या कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे क्षोभ मंडल किस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, समताप मंडल को, मध्य मंडल को, आयन मंडल को, जो जो भी आपको जो न याद होते हों, ठीक है। ये जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ जो जो भूलने वाले हैं आप उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी है, किसको क्या कहा जाता है, कहाँ कैसे क्या हुआ, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश संबंधित लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि जैसे जो बांध से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नर्मदा नदी पर बंधे गए बांध, सतलज नदी पर बंधे बांध, कावेरी नदी पर बांध, ठीक है, कृष्णा नदी पर, महानदी पर, किसको बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर, बिहार का शोक, कोसी, असम का शोक, मतलब शोक से संबंधित जो प्रश्न है एक सब एक जगह इंक्लूड कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी है चंबल नदी पे, रिहंद नदी पे, टिहरी बांध परियोजना, दामोदर, ये सब जो भी हैं। जैसे कि अब आगे आता है गौतम बुद्ध से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, गौतम बुद्ध से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप एक जगह रख लीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ जो भारतीय संविधान है, जैसे कि जितने भाग हैं, किस भाग में क्या है, यहाँ पर एक जगह लिख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, और लेटे रहेंगे तो फिर भी देख सकते हैं, निगाह पड़ी रहेगी। वहाँ है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जापान से, रूस से, मतलब जिससे मतलब जो भी प्रश्न कन्फ्यूजन रहते हैं आप उनको एक जगह लिख कर चपका देंगे, फिर उसको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। जो तथ्य होते हैं ऐसे आप जो हिस्ट्री के जो सन रहते हैं कि किसमें क्या, बाबर का युद्ध, तराई का युद्ध, मतलब जो सन हैं, सिकंदर लोदी, जो जो भी तथ्य हैं जो भूल जाते हैं उसको आप एक जगह लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो इसको फॉलो भी कर सकते हैं। ये जो दोस्तों है इसको स्टिकी नोट्स कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टिकी नोट्स, इसको आप लिख कर और ये चिपका सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद चाहे जहाँ भी निकाल कर फिर अलग से चिपका सकते हैं। ये सब जो जो कंप्यूटर जो लगे कि आपको भूल जा रहा है उसको आप लिख कर चिपका दीजिए बगल में, ठीक है, ऐसे ही मैं करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।